सब्सक्राइब कीजिए सरल घरेलू नुस्खे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरल घरेलू नुस्खे में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा घरेलू लिप बाम बनाने का तरीका लेकर के आया हूँ जिसकी सहायता से आप घर पर ही अपने होठों को नरम, मुलायम व गुलाबी बनाए रखने का बेहतरीन लिप बाम तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपके लिए एक बेहतरीन टिप्स भी लेकर के आया हूँ। लेकिन दोस्तों, नुस्खे को बताने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल सरल घरेलू नुस्खे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को भी दबा दीजिए। सरल घरेलू नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है दोस्तों। सब्सक्राइब करने से और बगल के बेल आइकन को दबाने से आप हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। दोस्तों, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह आप घरेलू तरीके से घर पर ही अपने होठों को नरम, मुलायम व गुलाबी बनाए रखने का एक बेहतरीन लिप बाम तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको ले लेना है करीब एक चम्मच नारियल का तेल। तो मैं ये एक चम्मच नारियल का तेल ले लेता हूँ। ये मैं एक चम्मच नारियल का तेल ले लेता हूँ। आप ऐसे एक चम्मच नारियल का तेल आप भी ले लीजिएगा और इसमें आपको मिला लेना है करीब एक ही चम्मच जैतून का तेल। दोस्तों, जैतून का तेल आपको मार्केट में बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। ये आप एक चम्मच जैतून का तेल ले लीजिए। इस तरीके से आपको मिक्स कर लेना है। अब आपको दोस्तों ले लेना है करीब आधे चम्मच से थोड़ा सा कम, करीब दोस्तों इतना आपको इतना शहद इसमें मिला लेना है। ऐसे आपको शहद इसमें मिला लेना है। अब आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। अच्छी तरीके से इसको मिला लीजिए। बहुत अच्छी तरीके से आप इसको मिला लीजिए। इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लीजिए। दोस्तों, मिक्स करने के बाद आप इसे कांच की शीशी में रख लीजिए और समय समय पर आप अपने होठों पर इसे लगाते रहिए जिससे आपकी होठ नरम, मुलायम व गुलाबी हो जाएंगे। दोस्तों, इस घरेलू लिप बाम से आपको किसी भी तरीके का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। ये बहुत ही कारगर तरीका है दोस्तों, आप इसका प्रयोग जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको आज की टिप्स भी बता देता हूँ। सफेद चावल को पानी में भिगोकर उस पानी से चेहरे को धोने से चेहरे की झाइयाँ चली जाती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ कल आपसे एक और नए सौंदर्य बढ़ाने के घरेलू नुस्खे के साथ। दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।